हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। मैं हूं मुनेश कुमारी और सीसेट पेपर टू की T5 सीरीज के अंदर आज का हमारा टॉपिक है सिलोजियम। इसके अंदर से मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलोजियम बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, ठीक है? देन इन सिलोजियम टू और मोर स्टेटमेंट्स विल बी गिवन टू यू। ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टेटमेंट्स देयर विल बी सम कंक्लूजन ऑल्सो गिवन टू यू and you have to find which conclusion is true on the basis of that given statements. Then the statement may be, statement kya ho sakti hai aapki, like some ARB, aise koi statement ho sakti hai aapki, theek hai, some BRA, aise koi statement ho sakti hai, ye bhi ho sakta hai aapke paas mein, all ARB, ठीक है? तो इस तरह के आपकी स्टेटमेंट्स एग्जाम के अंदर गिवन हो सकते हैं और जो आपके कंक्लूजन है, कंक्लूजन भी आपके इसी तरह से गिवन होंगे, ठीक है? कि सम ए आर बी, सम आल, इस तरह से कुछ भी कंक्लूजन हो सकता है, सम ए आर नोट भी, इस तरह से आपके पास में कंक्लूजन गिवन होगा। क्लियर है? तो अब देखिए, यहाँ पे आपको पहले पता होना चाहिए कि इनके लिए जो हम वेन डायग्राम बनाते हैं वो कैसे बनेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे आल का वेन डायग्राम। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या है, ऑल ए आर बी, ये आपके पास में स्टेटमेंट गिवन है और उसके ऊपर बेस्ड आपके पास में कुछ कंक्लूजन दिए हुए हैं। देन यू एंड यू हैव टू फाइंड विच कंक्लूजन इज ट्रू। क्लियर है? हाँ जी। तो देखिए, जब क्या कह रहा है, ऑल ए आर बीज, दैट मीन्स ऑल द ए आर इन बी। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे ये जो ए है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि जितने भी ए हैं ये बी हैं। दैट मीन्स कि जो ए है उसका सर्कल आपका किसके अंदर बनेगा, बी के अंदर बनेगा। क्लियर है? तो ये आपका एक बेसिक डायग्राम बन गया, वेन डायग्राम किसका, ऑल ए आर बी का। क्लियर? जब भी आपके पास में ऑल ए आर बी गिवन होगा तो आपने यही इसी तरह से डायग्राम बनाना है। क्लियर? उसके बाद में इसके ऊपर कंक्लूजन क्या आ सकते, कह रहा है देखो सम बी आर एज, कुछ बी ए हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि सारे के सारे जब ए बी हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है बच्चे, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो गिवन है ये वाला पार्ट, तो ये बी बी तो है, ये बी के अंदर ही है ना। जब बी के अंदर ही ए है, दैट मीन्स दिस इज आल्सो बी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सम बी आर ए, तो कुछ बी जो है वो ए है, ऑब्वियसली है, ये वाला पार्ट इसके अंदर है, तो ये आपके पास में ट्रू हो जाएगा। क्या कह रहा आगे, सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं, तो ये वाला जो b है, सॉरी सम ए आर बी, जब ये वाला a इसके अंदर है तो ये b तो है ही, जब सारे के सारे a b हैं तो कुछ भी होंगे, तो ये भी आपके पास में क्या हो गया, ट्रू हो गया। उसके बाद में कह रहा है ऑल b r a, सारे के सारे b a हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है इसके लिए तो हम कंफर्म हैं कि ये वाला जो पार्ट b का है वो a है, बट यहाँ पे जो ये वाला पार्ट गिवन है, जो रिमेनिंग पार्ट है, वी आर नॉट कन्फर्म्ड अबाउट दिस पार्ट, ठीक है, दिस कैन बी ए और नॉट, ठीक है, ये कन्फर्म हम नहीं है बच्चे इसके बारे में, नॉट कन्फर्म। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या कह रहा है कि आल बी आर ए, कह रहा है कि सारे के सारे बी ए हैं, भी हो सकते हैं सारे के सारे बी ए, बट ये कन्फर्म तो नहीं है। अगर ये कहता है कि सारे के सारे बी ए हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे जब इसके बारे में कंफर्म ही नहीं है किसी बात के बारे में, तो हम ये कहें हाँ जी हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसा ही कुछ कहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ये कह रहा है कि कंफर्म, जो आपके पास में, अगर आपका डायरेक्ट जिस तरह से कंक्लूजन गिवन है, दैट मीन्स कि अगर आप कंफर्म हो, 100% श्योर हो, ठीक है, तभी आपने उसको ट्रू करना है, अदरवाइज फॉल्स करना है। क्लियर? अगर आपके माइंड में कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है, हाँ जी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उस केस में आपने उसको क्या करना है, फॉल्स करना है, तो ये आपके पास में क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर है? उसके बाद में कह रहा है नो बी ई इज, नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं। अब मैंने कहा कि ये वाला जो बी वाला पार्ट है इसके लिए हम कन्फर्म नहीं है, नहीं है अगर कन्फर्म, ठीक है, डेफिनेटली ट्रू हम नहीं कह सकते, तो ये आपके पास में रॉन्ग हो गया। जो ये है आपके पास में जो कंक्लूजन है बच्चे, आपको डेफिनेटली चेक करने हैं, ठीक है, कि हाँ जी दिस इज डेफिनेटली ट्रू। उसके बाद में कह रहा है आल बी बींग ए इज पॉसिबिलिटी। अब मैंने ये बताया था ये वाला जो पार्ट है दिस इज नॉट कन्फर्म, नॉट कन्फर्म दैट मीन्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कन्फर्म है कि हाँ जी ये जो बी है ये ए है, और ये वाला भी हो सकता है, और उसने भी क्या कहा, इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब हो सकता है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अब उसने कहा
सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, भाई ये वाला जो पार्ट है नहीं भी हो सकता, दैट मीन्स कि ये भी सही है। क्लियर? जब आपकी पॉसिबिलिटी की बात आती है तो हमें माइंड में ये रख के चलना है कि हाँ जी हो सकता है या नहीं हो सकता। 1% केस में हमें अगर लगता है कि हाँ जी ऐसा हो तो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, तो आपका पॉसिबिलिटी वाला केस का आप ट्रू करोगे, अदरवाइज इसको फॉल्स कर दोगे। क्लियर? जब आपको 100% श्योर है कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, उसको पॉसिबिलिटी वाले केस को रॉन्ग करोगे, अदरवाइज उसको आप ट्रू करोगे। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सम के ऊपर। सम के अंदर क्या कह रहा है कि सम ए आर बी मीन्स कुछ ए बी है, दैट मीन्स दिस पार्ट इज कॉमन। तो ये वाला पार्ट है, ये आपका ए और बी दोनों के अंदर कॉमन है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। कह रहे सम बी आर ए, अब देखिए ये वाला जो बी का पार्ट है वो तो ए के साथ में कॉमन है, जो कॉमन है दैट मीन्स कि वो उसका अंदर है, तो ये आपका ट्रू हो गया। कह रहे सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, और इधर से ये वाला जो पार्ट है, इसके लिए हमें कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, नॉट कंफर्म कि हाँ जी ये एक दूसरे के साथ में रिलेटेड है या नहीं है, नॉट कंफर्म। क्लियर? तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं है इसका पार्ट? हो भी सकता है। अगर मान लीजिए, देखिए मैं इसको ऐसे बना दूं डायग्राम को, ये ए है, उसने कहा है कि कुछ, ठीक है, अब सम ए आर बीज, तो इसको मैं ऐसे भी तो बना सकती हूँ, अभी तो सम ए आर बीज तो ट्रू हो ही रहा है, आपकी स्टेटमेंट अभी भी सही जा रही है, ठीक है, तो उस केस के अंदर ये आपका जो है हो भी सकता है, तो नोट का नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे आपके पास में डेफिनेट नहीं है। वैसे भी एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन कैन नेवर बी नेगेटिव, जो डेफिनेट कंक्लूजन है दैट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये आपके पास में देखते ही यहाँ पे हमें देखा देखा कि यहाँ पे हमारे पास में पॉजिटिव स्टेटमेंट है और यहाँ पे आपके पास में नेगेटिव है, दैट मीन्स कि रॉन्ग है। क्लियर? अब उसके बाद में क्या कह रहा है, आल बी आर ए, सारे बी ए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो बी वाला पार्ट है, इसका इस वाले पार्ट के साथ में रिलेशन हमें कंफर्म नहीं है, दैट मीन्स कि हो सकता है अगर इसी के साथ में लिखा होता कि आल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, तो हम क्या कहते हैं, हाँ जी हो सकता है क्योंकि वी आर नॉट कन्फर्म, ठीक है, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है बट कन्फर्म आंसर नहीं है, डेफिनेट नहीं है। क्लियर? आगे क्या गिवन है, आल ए आर बी, अब अगेन ए आर बी नॉट कन्फर्म बट इट कैन बी द पॉसिबिलिटी, तो ये आपके पास में पॉसिबिलिटी जो है वो ट्रू हो जाएगी बट डेफिनेट जो कंक्लूजन है दैट विल बी रॉन्ग। अब क्या कह रहा है, सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ए बी नहीं है। अब इसकी पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है इस वाले पार्ट के बारे में जब हमें नहीं पता, तो ये भी तो हो सकता है कि हाँ जी ये वाला पार्ट इससे बिलोंग करता ही नहीं है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इसी तरह से क्या कह रहा है, सम बी आर नॉट ए, अब अगेन हमें नहीं पता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिस बात के बारे में आपको कंफर्म नहीं है तो उसकी इसमें हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं, नॉट कंफर्मेशन मीन्स पॉसिबिलिटी। क्लियर? हाँ जी, तो नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट वेन डायग्राम नोट, ठीक है, नोट के अंदर क्या है कि ये कह रहा है कि ए इज नॉट बी, क्या है आपके पास में स्टेटमेंट, ए इज, यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट रह गई है बच्चे, ए इज नॉट बी, ए इज नॉट बी, दैट मीन्स ऑल ए आर नॉट बी, ऑल बी आर नॉट ए, मीन्स ए और बी का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो इस पे आपके क्या क्या कंक्लूजन हो सकते हैं, सम ए आर नॉट बी, जब सारे ही ए बी नहीं है तो कुछ भी तो नहीं है, तो ये भी आपके पास में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहता है सम बी आर नॉट ए, बिल्कुल सही अगेन। अब कह रहा है सम बी आर ए, सम बी आर ए, जब वो कह रहा है कि ए इज नॉट बी, ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बी ए है, कुछ है या नहीं है, कुछ नहीं कह सकते, दैट मीन्स डेफिनेट आंसर कुछ नहीं कह सकते हम। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है, बिल्कुल सही है। क्लियर? हाँ जी, अब हमारा जो चौथा केस बनता है वो आता है हमारे पास में सम नोट। सम नोट मतलब कि
जो आपके पास में ये पार्ट है, यहाँ पे क्या कह रहा है, सम एज आर नोट बीज, कुछ ए बी नहीं है, मीन्स ये आपका पूरा कंप्लीट ए है, इसके अंदर से जो कुछ पार्ट है वो बी नहीं है, ठीक है, मीन्स इसने हमें इन दोनों का रिलेशन दिया है, ठीक है, दिस रिलेशन इज गिवन कि भाई ये इसका पार्ट ए नहीं है, बट द रिलेशन ऑफ दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज नॉट गिवन, नॉट गिवन दैट मीन्स अगर रिलेशन नहीं गिवन है दैट मीन्स नॉट कंफर्म्ड, क्लियर है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कंक्लूजन कहता है सम बी आर ए, भाई कुछ ए बी है, अब यहाँ पे देखो इसका हमें पता है कि कुछ ए बी नहीं है, बट इस पार्ट के लिए तो हम कंफर्म है ही नहीं, जब हम कंफर्म ही नहीं है तो हम कैसे कह देंगे कि है, डेफिनेट आंसर नहीं कह सकते। हाँ अगर यहाँ पे होता सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन जाती, बिकॉज वी आर नॉट कंफर्म अबाउट दिस रिलेशन, दिस पार्ट एंड दिस रिलेशन, क्लियर है। अभी कह रहा है सम ए आर बी, अगेन नॉट कंफर्म्ड, नॉट कंफर्म्ड मीन्स नॉट डेफिनेटली ट्रू, ठीक है जी। अब कह रहा है कि आल बी आर ए, आल बी आर ए कैसे हो सकते हैं, ये भी गलत हो गया, नो बी इज ए, हाँ जी इसके लिए तो हम कह सकते हैं बट इसके लिए नहीं कह सकते, सो दिस इज अगेन रॉन्ग हो गया। अब कहता आल बी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी, भाई सारे के सारे बी ए हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है पॉसिबिलिटी, ठीक है, सारे के सारे बी ए हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, अगर हम यही जो डायग्राम है इस बी को इसकी बजाय यहाँ पे बना ले, मान लीजिए ये बी है, ठीक है, तो ये बी है तो ये वाला पार्ट बी नहीं है, मीन्स हमारी स्टेटमेंट तो ट्रू है यहाँ पे, क्लियर है, बट ये हमारा बेसिक डायग्राम नहीं है, दिस इज द पॉसिबिलिटी डायग्राम के, हाँ जी हो सकता है, हम एक माइंड में परसेप्शन लेके चल रहे हैं तो उस केस में पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो ये सही है। अब कह रहा है कि सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, अगेन दिस इज पॉसिबल, मीन्स एक जो कंक्लूजन हम पे पहुंचे हैं कंक्लूजन पे वो क्या है कि अगर आपके पास में सम नॉट का केस है उस केस में देयर विल बी नो कंक्लूजन, कोई भी अगर आपके पास में कंक्लूजन आता है तो सभी को आप क्या कहोगे, देयर इज नो डेफिनेट कंक्लूजन, मीन्स कि उसको आप सही कहोगे, सारे के सारे आपके रॉन्ग होंगे, बिकॉज देयर विल बी नो डेफिनेट कंक्लूजन, क्लियर है, हाँ जी, बट पॉसिबिलिटी सारी हो सकती है आपकी। देखिए यहाँ पे अगर ये आपके पास में कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा, बट अगर हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो कह रहा है कि आल बी इज बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है, हम ऐसे बना लेंगे, नो ए इज बी इज पॉसिबिलिटी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, नो बी इज ए इज पॉसिबिलिटी, सम बी आर नॉट ए इज पॉसिबिलिटी, भाई कुछ बी ए नहीं है इसकी पॉसिबिलिटी हो, मीन्स पॉसिबिलिटी आपकी सारी ट्रू होंगी बट आपके पास में जो कंक्लूजन है देयर विल बी नो डेफिनेट कंक्लूजन इन केस ऑफ सम नॉट, क्लियर है, हाँ जी। तो स्टूडेंट्स अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, स्टेप वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट इससे पहले कुछ और भी पॉइंट्स है जो अभी मैं भूल गई हूँ आपको बताने, अभी बताते हैं, कुछ पॉइंट्स और है जो आपको याद रखने हैं, क्या है, अगर आपके पास में स्टेटमेंट आ जाती है ओनली ए आर बी, ठीक है ओनली, अब यहाँ पे ना तो सम गिवन है, ना ऑल गिवन है, ना नॉट गिवन है, अब हम क्या करेंगे, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ऑल बी आर ए, ओनली बी आर, अगर आपके पास में ऐसे आ जाता है, पहले वाला आ जाता है ओनली ए आर बी, तो आप इसका डायग्राम कैसे बनाओगे कि ऑल बी आर ए, दैट मीन्स कि जो कल्ला ए है ना वही बी है, यही कह रहा ना ओनली ए आर बी, तो इसका मतलब क्या है, आल बी आर इज, क्लियर। आगे कह रहा है कि आल बी आर डेफिनेटली बीज, आल ए आर डेफिनेटली बीज मीन्स आल ए आर बीज, अगर डेफिनेटली वर्ड यूज कर रहा है तो अगेन आल ही आपने यूज करना है, अगर आपके पास में है नन बट ए इज बी, क्या है बच्चे, नन बट ए इज बी, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ओनली ए इज बी, अगेन ओनली ए इज बी मीन्स क्या है आपके पास में, आल बीज आर ए, क्लियर। अगर आपके पास में गिवन है ए इज बी, ए इज बी, ना तो आपके पास में सम गिवन है, ना आपके पास में ऑल गिवन है, कोई भी क्वालिफायर नहीं आ रहा है यहाँ पे आपके पास में, तो इसका मतलब भी क्या है, ऑल, तो क्या हो जाएगा, ऑल ए आर बी, क्लियर है, हाँ जी। अब इसी तरह से अगर आपके पास में वर्ड देखने को मिलता है एटलीस्ट,
ठीक है, एटलीस्ट मीन्स होता है सम। अगर आपके पास में आता है मैक्सिमम ए आर बीज, दैट मीन्स सम ए आर बीज। मिनिमम ए आर बीज मीन्स सम ए आर बीज। वेरी फ्यू ए आर बीज मीन्स सम ए आर बीज। ईच और एवरी, ईच और एवरी अगर आपके पास में आ जाता है दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास में ऑल। क्लियर है? अगर आपके पास में 0.1 से लेके 99.9% तक भी है तो भी आपके उसको क्या लेके चलोगे, सम। अगर आपके पास में आ जाती है स्टेटमेंट कि 99.9% ऑफ ए आर बीज, अगेन आप उसको सम ही कंसीडर करके चलोगे। क्लियर है? अगर 100% है तो क्या करोगे आप, उसको ऑल कंसीडर करोगे। अगर 0% है तो आप उसको नो कंसीडर करोगे। क्लियर है? हाँ जी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन जो कि आपका 2014 के अंदर आया था। क्या है, पहले हम स्टेटमेंट के बेस पे आपने एक वेन डायग्राम तैयार करना है और उसके बेस पे देखने की कौन कौन से कंक्लूजन आपके ट्रू हैं। क्लियर है? हाँ जी। तो बढ़ते हैं पहली स्टेटमेंट पे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है, सम आईज आर ईयर्स। कुछ आईज आप क्या है, ईयर्स हैं। सम आईज आर ईयर, तो मैंने अभी आपको बताया था कि सम का कैसे बनेगा डायग्राम, ऐसे बनेगा। तो ये क्या कह रहा है बच्चे, उसको ईयर्स। ठीक है, अगेन मैंने आईज लिख दिया है गलती से, ये बच्चे आपका ईयर्स आएगा। क्या आएगा, ईयर्स। क्लियर? हाँ जी। उसके बाद में कह रहा है सम ईयर्स आर लंग्स। सम ईयर्स, ये जो आपके ईयर्स हैं इनमें से कुछ क्या हैं, लंग्स हैं। ठीक है, उसके बाद में ऑल लंग्स आर हैंड्स। ऑल लंग्स आर हैंड्स, जब मैंने बताया था ऑल आता है तो उसको अंदर बनाना उसके सर्कल को, और हैंड्स आपका कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर? डायग्राम बन गया है आपका। अब जहां पे आपके पास में आपको लगता है कि हाँ जी मेरे पास में डेफिनेट रिलेशन आ रहा है, ठीक है जी, तो उसको आप ट्रू करोगे, बाकियों को फॉल्स कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, सम हैंड्स आर आईज। तो बताइए यहाँ पे देखिए, सम हैंड्स, ये हैंड्स है आपके और ये आईज है। अब देखो यहाँ से हैंड्स और आईज का कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है। अगर हैंड्स और आईज का रिलेशन गिवन नहीं है तो ये क्या हो गया आपके पास में, रॉन्ग हो गया। हाँ जी, अगर यहाँ पे आपके पास आता इज पॉसिबल, ठीक है, तो आप क्या करते, जब दूर का रिलेशन है, ठीक है, नॉट कन्फर्म है, तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाती, बट यहाँ पे आपसे डेफिनेट आंसर मांग रहा है वो, ठीक है, तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। उसके बाद कहता है सम हैंड्स आर ईयर। सम हैंड्स आर ईयर, तो देखो हैंड्स और ईयर के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये आपके पास में कॉमन है, तो ये क्या हो गया आपके पास में, ट्रू हो गया। एक्सक्यूज मी। अब उसके बाद में देखिए क्या है, सम लंग्स आर आईज। आप देखिए लंग्स और आईज, ये लंग्स है बच्चे पार्ट और ये आईज है, ठीक है, अगेन नो रिलेशन, दैट मींस क्या हो गया आपके पास में, रॉन्ग हो गया। उसके बाद में कह रहा है नो हैंड इज आई। अब मैंने आपको बताया था कि इफ स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव देन कंक्लूजन विल बी पॉजिटिव, तो कंक्लूजन पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता, ठीक है, डेफिनेट नेगेटिव कंक्लूजन आपका नहीं हो सकता। तो अब यहाँ से हमारी कौन सा कंक्लूजन सही है, कल्ला सेकंड कंक्लूजन सही है, तो क्या आंसर आ जाएगा, ओनली टू फॉलोज। क्लियर है बच्चे? हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, क्या है, सम डेस्क आर चेयर। सम डेस्क, सम डेस्क आर चेयर, कुछ डेस्क क्या है, चेयर, अगेन सम का क्वेश्चन है। अब है सम चेयर्स आर पेन। सम चेयर्स आर पेन। सम पेन्स आर ड्रॉर्स। सम पेन्स आर ड्रॉर्स। क्लियर है? हाँ जी। अब देखिए क्या कह रहा है, कहता है एटलीस्ट सम। एटलीस्ट का मैंने बताया था, जब भी एटलीस्ट आता है दैट मीन सम मान के चलना आपने। कह रहा है एटलीस्ट सम ड्रॉर्स आर डेस्क। देखिए यहाँ पे आपके पास ड्रॉर है, यहाँ पे डेस्क है, ठीक है, ड्रॉर और डेस्क दूर दूर है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स कि ये आपके पास में डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है। अब कह रहे देयर इज ए पॉसिबिलिटी,
दैट ऑल ड्रॉर्स आर चेयर, कहता ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सारे के सारे ड्रॉर चेयर हों। अब यहाँ पे इसने क्या वर्ड यूज किया बच्चे, पॉसिबिलिटी। तो हम अपने माइंड में बना के देखते हैं कि भाई हम इस ड्रॉर को क्या इसके अंदर पुट करके रख सकते हैं कि हाँ जी हमारी स्टेटमेंट भी ट्रू हो और हमारे पास में। अब देखो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे जो आपका ड्रॉर है बच्चे, इस ड्रॉर को मैं यहाँ पे बना देती हूँ, हमारी स्टेटमेंट क्या थी ड्रॉर को लेके, पेन सम पेन्स आर ड्रॉर्स, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ तो कि हाँ जी सम पेन्स आर ड्रॉर्स, ये मेरा ड्रॉर है, ये वाला पार्ट मेरा ड्रॉर है, तो उस केस में देखिए कि ऑल ड्रॉर्स विल बी चेयर, पॉसिबिलिटी बन गई ना, हमारी स्टेटमेंट भी सही है कि सम पेन्स आर ड्रॉर, सम पेन और ड्रॉर के बीच में ये वाला पार्ट कॉमन हो गया, ठीक है, और हमारे पास में जो ड्रॉर है वो चेयर के अंदर चले गए हैं, तो ये आपके पास में क्या हो गया बच्चे, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, नो ड्रॉर इज चेयर, अगेन ऑल द स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव सो कंक्लूजन कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये भी आपके पास में क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। क्लियर बच्चे, तो आपके पास में कौन सी स्टेटमेंट सही है, कल ली आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वही सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, दो स्टेटमेंट्स गिवन है आपके पास में और दो कंक्लूजन गिवन है, वेन डायग्राम बना लेते हैं। देखिए कह रहा है सम मेंस, सम मेंस, ये जो मेंस हैं कह रहा है कि आर ग्रेट, कुछ मैन ग्रेट हैं, क्लियर है, कुछ की बात कर रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है मैन का, दिस इज ग्रेट। उसके बाद में कह रहा है सम मैंस आर वाइज, सम मैन आर वाइज, भी ये वाला जो पार्ट है मैन का, दीज आर वाइज, क्लियर। अब कंक्लूजन देखते हैं, कहता है मैन आर आइदर ग्रेट और वाइज, मैन या तो ग्रेट है या फिर वाइज है। अब यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि ये वाला जो पार्ट है आपके पास में कौन सा पार्ट बच्चे, ये जो पार्ट है आपके पास में, ये वाला जो हमारे पास में पार्ट है, इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है कि भाई वो वाइज है या नहीं है, नॉट कंफर्म मींस कि वी कांट गिव ए डेफिनेट कंक्लूजन, ठीक है, हम कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन यहां से नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है मैन आर आइदर ग्रेट और वाइज, मैन मीन्स वो सभी की बात कर रहा है कि सारे के सारे मैन या तो ग्रेट होते हैं या तो वाइज होते हैं, बट हम कैसे कह सकते हैं जब इस वाले पार्ट के बारे में हमें पता ही नहीं, दैट मीन्स दिस इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। अब कह रहा है कि सम मैन आर नाइदर ग्रेट नॉर वाइज, कहते हैं कि कुछ जो मैन है ये वाले जो है, ठीक है, दीज आर नाइदर ग्रेट नॉट वाइज नॉर वाइज, जब हमें अगेन नहीं कंफर्म इनके बारे में, देन अगेन वी कांट से दीज आर नॉट ग्रेट, ठीक है, तो ये भी आपके पास में क्या हो गया बच्चे, रॉन्ग हो गया। तो दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू नहीं है, तो यहाँ से आपके पास में देखिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकेंड थर्ड नहीं हो सकता, क्या होगा आपके पास में, फोर्थ ऑप्शन, नीदर ऑफ द कंक्लूजन इज वैलिड, मीन्स दोनों में से कोई भी कंक्लूजन आपका वैलिड नहीं है, क्लियर है जी। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं जो 2017 के अंदर आया था। क्या है क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपके पास में बस स्टेटमेंट स्टेटमेंट गिवन है, तो यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, देखिए कैसे करना है। अब आपके पास में ये चार स्टेटमेंट है, अब पहले आप नीचे इसको रीड कर लीजिए कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। कहता है गिवन स्टेटमेंट फोर इज ट्रू, उसने कहा है कि फोर हमारी डेफिनेटली ट्रू है, इसके बेस पे हमें सिर्फ ये पता है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, दिस इज डेफिनेटली ट्रू, और इसके बेस पे आपको डेफिनेट कंक्लूजन बताना है, क्या बताना है कि हाँ जी डेफिनेट कंक्लूड आप क्या कर सकते हो। तो हम पहले फोर्थ का मैंने डायग्राम बनाएंगे, क्या कह रहा है कि सम कलर्स, ये कलर्स का पार्ट है पूरा, सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, मीन्स हम कह रहे हैं कि जो ये वाला जो पार्ट है आपका, कुछ पार्ट, दिस इज नॉट प्लीजेंट, नॉट, ये आपका क्या हो गया बच्चे, प्लीजेंट, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, वन एंड टू आर ट्रू,
फर्स्ट और सेकंड ट्रू है। फर्स्ट और सेकंड देखो क्या कह रहा है, ऑल कलर्स आर प्लीजेंट। भाई जब हम इस वाले पार्ट के बारे में कंफर्म ही नहीं है, अब हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया था जब सम नोट का केस होता है तो उसके अंदर कोई कंक्लूजन नहीं निकलता डेफिनेट, तो उसके हिसाब से आपके पास में ये जो दोनों के दोनों हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, डेफिनेटली कंक्लूड नहीं है, मीन्स कि रॉन्ग हो जाएगी, डेफिनेटली कंक्लूड कह रहा है वो। ठीक है, जब हमें पता है कि भाई ये वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, वी आर नॉट कन्फर्म अबाउट दिस पार्ट, क्लियर है कि दिस पार्ट इज प्लीजेंट और नॉट, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये सारे के सारे कलर्स जो हैं वो प्लीजेंट हैं। वैसे भी देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है जब ये नहीं है तो सारे का सारा कैसे हो जाएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई आपकी, सम कलर्स आर प्लीजेंट, कुछ कलर प्लीजेंट हैं, अब अगेन हम कंफर्म नहीं है, तो ये भी आपके पास में क्या हो गई, रॉन्ग हो गई है। ठीक है जी, तो ये आपकी नहीं हो सकती। उसके बाद कह रहा है थ्री इज ट्रू, थ्री देखते हैं अब क्या कह रहा है, नो कलर इज प्लीजेंट, कोई भी कलर प्लीजेंट नहीं है। अगेन हम इसके बारे में कंफर्म है, इस पार्ट के बारे में, कि ये वाला जो हमारा पार्ट है दिस इज नॉट प्लीजेंट, बट वी आर नॉट कंफर्म अबाउट दिस पार्ट, सो वी कांट से नो कलर इज प्लीजेंट, दिस कैन बी प्लीजेंट और नॉट। ठीक है, तो ये भी आपके पास में गलत हो गया। ठीक है, अब कह रहा है टू इज फॉल्स, अब जब देखो टू की बात कह रहा है, कहता है सम कलर आर प्लीजेंट, कुछ कलर प्लीजेंट हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये कह रहा है कि फॉल्स है। अब उसने कहा है कि डेफिनेटली फॉल कंक्लूड नहीं करना आपने, क्या जी पक्का कंफर्म है कि गलत है ये वाली बात, ये वाला जो है आपकी स्टेटमेंट ये कंफर्म गलत है। भाई ये हो भी तो सकती है, वी आर नॉट कंफर्म देयर इज पॉसिबिलिटी टू बी ट्रू, क्लियर, तो हम इसको भी नहीं कह सकते दिस इज डेफिनेटली फॉल्स, दिस कैन बी ट्रू, दिस कांट बी ट्रू, ठीक है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये भी आपके पास में क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब कहता है वन इज फॉल्स, अब वन जो है कह रहा है कि कंफर्म है कि फॉल्स है, कह रहा है कि ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, भाई सारे के सारे कलर प्लीजेंट है, तो ये हमारा कंफर्म रॉन्ग है। क्यों कंफर्म रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ से हमें ये गिवन है कि दिस पार्ट इज नॉट प्लीजेंट, when this part is not pleasant then how can all the colors are pleasant, all to nahi ho sakta, that means this is definitely false, so this is true, clear hai, to aapke paas mein answer kya aa jayega, d option is your correct answer, clear hai, we can definitely conclude that first is false, clear, haan ji, next question ki taraf move kar rahe, ये आपका 2019 के अंदर क्वेश्चन आया था। देखिए सी सेट में काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा ये है कि हाँ जी क्वेश्चन को वो डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है, लाइक आपके पास में अब जैसे यही क्वेश्चन था आपका, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डाइवर्ट कर रखा है कि हाँ जी आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन ना दे के सीधी चार स्टेटमेंट में से बता दिया कि हाँ जी ये ट्रू है और इसी के बेस पर बताइए बाकियों का क्या हाल चाल होना है। ठीक है, हाँ जी, तो स्टूडेंट जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने आप को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करी है तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, देखिए क्या है, स्टेटमेंट्स क्या गिवन है, सम रैट्स आर कैट्स, सम रैट्स, सम रैट्स आर कैट्स, कुछ रैट्स आपकी कैट्स हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स, ये जो कैट्स हैं आर डॉग्स। उसके बाद में क्या है, नो डॉग इज ए काउ, कोई भी डॉग काउ नहीं है, क्लियर। अब देखिए क्या कह रहा है कि नो काउ इज कैट, अब काउ और कैट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो कैट है, ठीक है, अब इस पार्ट के बारे में तो हम बता सकते हैं कि अगर यहाँ पे होता है कि सम काउ, सम होता है यहाँ पे, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है कैट का, ठीक है ना, ये तो हमें पता है कि ये काउ नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास में यहाँ पे होता है कि सम कैट आर नॉट काउ, तो उस केस में तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी सही है, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, नो काउ इज कैट, मतलब कोई भी नहीं है, कोई भी कैसे नहीं है भाई, इसके बारे के अंदर जो ये वाला जो पार्ट है
ये वाला जो आपका पार्ट है, इसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास में, रोंग हो गया। उसके बाद कह रहा नो डॉग इज ए कैट, कोई भी डॉग कैट नहीं है। अब देखिए ये डॉग है आपका, ठीक है, ओ सॉरी रैट नहीं है, ये डॉग है और ये रैट है। अब ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव, इन तीनों के बीच में जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, सो दैट आपके पास में नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। वैसे भी देखिए रैट और आपके पास में डॉग, डॉग का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन है। उसके बाद में देखिए क्या कह रहा है कि सम कैट्स आर रैट, कुछ कैट रैट हैं। अब देखिए ये कैट है, ठीक है, कैट और रैट के अंदर बच्चे ये वाला जो पार्ट है आपका ये कॉमन है, दैट मीन्स सम कैट्स आर रैट, सम रैट्स आर कैट, क्लियर। तो ये आपके पास में ट्रू है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली थ्री इज ट्रू, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो उनको भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मिल पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपकी सी सेट के एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।